हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक और अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट से मिलवाता हूं जिसका इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है फॉर एमसीए के लिए। और जैसे जेएनयू दिल्ली में बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, एनआईटी लेवल के प्लेसमेंट है, 10 लाख से 18-20 लाख तक के प्लेसमेंट जाते हैं। और ये बच्चा बेसिकली तो बिहार का है, पर इसने ग्रेजुएशन दिल्ली से ही किए और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर ये ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा और इस साल इसका फाइनली एमसीए में सिलेक्शन हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी जो अच्छी है उनके लिए भी अप्लाई करें। और इस साल हमारे पास अच्छी बात यह कि इंपिटस गुरुकुल के बच्चे हर जगह, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, हर जगह जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा जो ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कि इस बार आपको सभी फॉर्म अप्लाई करना है और हम लोग आपको इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइमली देते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इंद्र आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आप अपना बैकग्राउंड भी बताएं कि आप बिहार से दिल्ली कैसे पहुंचे। दूसरा कि डीयू में सिलेक्शन होना अपने आप में अचीवमेंट है, पर डीयू यूनिवर्सिटी थोड़ी डिफरेंट टाइप का एग्जाम होता है, इसमें एक रिटन टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी। ये सारी डिटेल आपको इंद्र बताएगा और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा ऑनलाइन के भी और क्लासरूम के भी। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ इंद्र किशोर कुमार, बेसिकली मैं बिहार से हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स, दीदी और जिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और यहाँ इंपिटस गुरुकुल का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। यहाँ सरद सर, प्रतीक सर और इंपिटस के सारे फैकल्टी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मैं इस लेवल तक आ पाया। मैं ये बताना चाहूँगा, तो मेरा स्कूलिंग बिहार से हुई है। मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, PCM था मेरा बैकग्राउंड में, और जानकारी ना होने की वजह से मैंने JEE मेंस वगैरह का प्रिपरेशन भी नहीं करा था ढंग से। ऐसे ही अपीयर तो हो गया था एग्ज़ाम में, बट वो जो कॉम्पिटेटिव माहौल है, जैसे जो जिस टाइप का प्रिपरेशन होनी चाहिए, मैं वो नहीं कर पाया था। तो मैं सोचा अब इंजीनियरिंग वगैरह तो कर नहीं सकता, तो अब ग्रेजुएशन करनी थी मुझे। तो मुझे दिल्ली, मेरे दीदी लोग दिल्ली में रहती थी, तो मैं दिल्ली आ गया और वहाँ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन कोर्स के लिए मैंने अप्लाई करा और वहाँ मेरा BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। और वहाँ एडमिशन लेने के बाद मैं पढ़ता गया, जैसे जैसे सिलेबस वगैरह कवर करता गया, बट तो एडमिशन मिलने के बाद वहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी नए फ्रेंड्स बने, तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने। फिर इसके बाद मैं IT फील्ड में आ गया। मेरा बैकग्राउंड तो CS नहीं था, बट जब एक साल गुजर गया फिर पता चला हाँ, इससे आगे भी कुछ हम IT फील्ड में क्या कर सकते हैं। फिर MCA के बारे में जाना जो हम इससे आगे MCA कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने सर्च करना शुरू करा। तो वही सरद सर का YouTube के जरिए मुझे पता चला जो NIMCET भी एग्ज़ाम होता है DU के अलावे, DU का तो पता चल गया था मुझे कैंपस में ही। तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करने लगा, मैं सोचने लगा, एक्चुअली मैं प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, मैं सोचा था हाँ MCA करनी है मुझे और DU या NIMCET से ही करूँगा मैं। तो फिर इस पर सेकेंड ईयर भी ऐसे चले गया। थर्ड ईयर में मैं सोचा नहीं, अब तो काफ़ी कम टाइम रह गया, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं जब सर्च कर रहा था तो सरद सर का वीडियो वगैरह आपको YouTube पे मुझे मिला, तो उससे मैं पढ़ना स्टार्ट करा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने में, जो चीज़ हमने 12th में इतना फेस करा था प्रॉब्लम, वो चीज़ ईजिली समझ आ गया मुझे। तो मैं अच्छा लगा, मैं उनका पढ़ता गया। फिर मैंने सर से बात करी और फाइनल ईयर में मैं सोचा जो मुझे ग्रेजुएशन भी करना है, तो मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं करा, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। फिर फाइनली एग्ज़ाम वगैरह के बाद मैंने सर से कांटेक्ट करा, तो सर मुझे बोले जो ये दो टाइप का कोर्स चल रहा है हमारे पास, या तो तुम क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हो या ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो। तो मैं थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से मैं भोपाल तो नहीं आ सकता था उस समय, बट मैंने सर से बात करके ऑनलाइन पेन ड्राइव ऑर्डर कर दी और पेन ड्राइव से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पेन ड्राइव में सारे कंटेंट बहुत अच्छे थे, मुझे हर कुछ समझ आता था। सर 0 लेवल से स्टार्ट करके पूरे एडवांस लेवल तक जाते थे, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जो वीडियो में मुझे समझना है। तो मैंने थ्रोली दिसंबर तक मैंने सारे सिलेबस कवर करे और पूरा बेसिक कवर हो गया, मतलब सिलेबस भी कवर हो गया। फिर मैं
टेस्ट सीरीज वगैरह का टाइम आ गया और सर भी फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दिए, तो मैं थोड़ा घर पे मैं आलस कर देता था टेस्ट वगैरह देने में, तो मैं सोचा अगर घर पे मैं टालता था चल एक घंटे बाद दे लेंगे टेस्ट, तो ऐसे तो फिर मैं मेरे को लगा नहीं ना इससे अच्छा होगा जो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, तो मैं सर से बात करी, वो सर बोले जो हाँ आ जाओ टेस्ट सीरीज तुम कर सकते हो। फिर मैं यहाँ आया और यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग, मैं एक्चुअली कभी कम्पिटिटिव प्रिपरेशन नहीं करा था और यहाँ पूरा स्टूडेंट का सेशन लग रहे थे वैसे पूरा जैसे एकदम माहौल ही पूरा डिफरेंट, तो मुझे पढ़ने में और मज़ा आने लगा और मैंने प्रॉपरली सेशन अटेंड करा और धीरे धीरे प्रिपरेशन करता गया। और सर लोग जितना भी जैसे कभी डिप्रेशन भी होता था हाँ होगा कि नहीं होगा मतलब, लेकिन सरद सर हो गए प्रतीक सर हो गए हम लोग को डोज मिलता था, मतलब ऐसा लगे ना उससे पहले सर हम लोग को इतना मोटिवेट कर देते थे जो फिर से हम उसी एनर्जी के साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते थे। तो ऐसे ही मैंने अपना सारा सिलेबस कवर करा और एग्जाम का प्रिपरेशन कर। यस, जैसा कि इंदर ने बताया अभी कि इसने किस ढंग से करा प्रिपरेशन, देखिए एक चीज़ समझिए, आप सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि इसने ट्वेल्थ के समय कोई सीरियसली पढ़ाई नहीं की इसलिए आईआईटी नहीं निकाल पाया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी सीरियस नहीं था इसलिए एक साल का ड्रॉप लेना पड़ा। अगर फर्स्ट ईयर से ही सीरियस हो जाते आज जैसे आप देखते हो ना, आप तो यहाँ पढ़े हुए कितने ऑनलाइन वाले बच्चे फर्स्ट ईयर से जुड़ते जा रहे हैं क्लासरूम में, तो जितना समय रहते हुए हम प्रिपरेशन करते हैं उतना हमारा टाइम सेव होता है। बट फिर भी इसको फाइनल ईयर में आके लगा कि अब करना है प्रिपरेशन, धीरे धीरे की फाइनल के बाद ड्रॉप लेते समय पहले पूरा ऑनलाइन कोर्स से हर चीज़ कवर करी एंड देन उसके बाद फाइनल टेस्ट सीरीज भोपाल में थी और एक अच्छी रैंक के साथ डीयू में सिलेक्शन हुआ। डीयू में रिटन टेस्ट की रैंक थी 32 ऑल इंडिया रिटन टेस्ट की रैंक थी और ओवरऑल रैंक है 99 कम्बाइंड रैंक। अब मैं पहले आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है कि डीयू कई लोग इसलिए नहीं भरते क्योंकि उन्हें लगता है बाद में जो इंटरव्यू होता है उसमें हम कैसे फेस करेंगे, कहीं टोटल इंग्लिश तो नहीं पूछते। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इंदर अपने एक्सपीरियंस बताएगा कि डीयू में जो एग्ज़ाम होता है उसका रिटन टेस्ट का 85% वेटेज होता है और इंटरव्यू का 15% और इन दोनों को मिला के कम्बाइंड रैंकिंग होती है। जो रिटन टेस्ट होता है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है और फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो मैं चाहूँगा कि इंदर आप बताओ बच्चों को कि रिटन टेस्ट में क्योंकि आपने एमसीए के लिए लिमिटेड लेवल पे पढ़ाई की थी तो उसके क्या क्या फायदे हुए और इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट हुआ था और क्या इंटरव्यू में इंग्लिश प्रॉब्लम बनी ये बता। यस सर, तो हमने बेसिकली तो निमसेट का ही प्रिपरेशन करा था लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे लेवल से प्रिपरेशन हो जाती है निमसेट का तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई डीयू का भी पेपर देने में। हालांकि एक ग्रेजुएशन बेस एग्ज़ाम बोला जाता है भी क्योंकि मोस्टली पेपर मैथ्स के ग्रेजुएशन से होते हैं, लेकिन डोंट वरी आप निमसेट में अच्छे लेवल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन लिमिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे मिल जाएंगे जो आप इजीली हैंडल कर सकते हो उसको। और रही बात निमसेट एग्ज़ाम के बाद भी आपको कुछ टाइम मिल जाता है, जैसे मुझे तो ज़्यादा मिल गया था इस टाइम 20 डेज के आसपास, तो मैंने उसमें अपना ग्रेजुएशन का रिकैप कर लिया था थ्रोली, तो इससे बेनिफिट मिला। और इसमें एक्चुअली मैं इसका सिलेबस बताना चाहूँगा, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 6 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। तो रिटर्न एग्ज़ाम आप अगर ढंग से आपने मैथ्स पे पकड़ बना के कंसेप्चुअली पढ़ाई करिए तो आप इजली क्रैक कर सकते हो, ऐसा नहीं है जो हमने ग्रेजुएशन का पूरे साल पढ़ेंगे तभी होगा। मैंने भी नहीं पढ़ा था ग्रेजुएशन पूरा लेकिन निमसेट में अच्छे से करा था प्रिपरेशन मैथ्स का, तो मैं इजीली दे पाया एग्ज़ाम। और इसके बाद इसके 2 फेज होते हैं, रिटर्न टेस्ट के बाद आपका रैंक आती है, उसके बाद इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा, तो उसमें आपके पास अगर इंटरव्यू कॉल लेटर आती है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं मिलता इंटरव्यू के प्रिपरेशन करने के लिए, तो मुझे भी बहुत क्योंकि मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझे भी लग रहा था पता नहीं क्या पूछेंगे नहीं होगा, मैं थोड़ा नर्वस था। बट सर लोग से मैं बात करा था तो बोले डोंट वरी जो होना होगा होगा, जो तुम अपने लेवल पे वो ज़्यादा टेंशन मत लो इसके लिए, तो मैं स्ट्रेस फ्री हो गया। और तो मैं थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने फेस करा है, तो हो सकता है आने वाले कैंडिडेट को इससे कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो एक्चुअली डीयू का जो इंटरव्यू होता है जो एकेडमिक इंटरव्यू होता है उसमें आपका पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती,
आपका कोई ड्रेस कोड नहीं है मैंडेटरी, लेकिन ये ऐड ऑन करती है जब आप किसी अच्छे ड्रेस में जाते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, तो ये चीज़ ऐड ऑन करती है। तो इसलिए आप मैं ये प्रेफर करूँगा जिस ड्रेस में आप डिसेंट लुक लगे आप वही पहन के जाए। और रही लैंग्वेज की बात, तो मैं ज़्यादा मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में फ्लो अच्छी नहीं है, तो मैं भी इसके लिए ज़्यादा होता पता नहीं मैं सारे क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका वहाँ पे मेनली नॉलेज टेस्ट किया जाता है जो आप किसी टॉपिक के बारे में कितना जानते हो। तो मैंने अपीयर हुआ वहाँ, लगभग 6 इंटरव्यूअर का पैनल होता है, उसमें दो आपके मेरे दो सामने थे और दो राइट हैंड दो लेफ्ट हैंड में थे। तो मैं एंट्री करा वहाँ पे, गुड इवनिंग विश करा सर को, तो फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ उन्होंने पूछा, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर वो डायरेक्ट आ गया मेरे एकेडमिक पे जो मैंने ग्रेजुएशन में, जिस जैसे आप मैथ्स ऑनर से हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, तो मतलब वो आपके ग्रेजुएशन में से किसी सब्जेक्ट को चूज करेंगे या हो सकते आपको चॉइस भी दें। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर दिया था आई एम क्विट गुड इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड DBMS, तो पता नहीं इंटरेस्टेड थे वो, तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे आप यू आर कंफर्टेबल विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं बोला यस श्योर सर। तो फिर उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS और मैथ्स के बेसिक सवाल ही पूछे उन्होंने, मैं काफ़ी अच्छा जवाब दे रहा था, दो तीन क्वेश्चन मुझे उनका एग्जैक्टली पता नहीं था, तो मैं डायरेक्टली सॉरी सर बोल दिया, मैंने मना कर दिया। तो ओवरऑल मेरा 10-12 मिनट का इंटरव्यू चला था और काफ़ी अच्छा लगा इवैल्यूएशन प्रोसेस। देखिए जैसा अभी इंदर ने बताया कि सबसे पहले रिटन टेस्ट जो था उसमें 50 क्वेश्चन थे, 30 मैथ्स के क्वेश्चन थे, 6 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, 4 कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन थे और 6 लॉजिकल रीजनिंग के, इस तरह से करीब 50 क्वेश्चन का पेपर था, ऑनलाइन पेपर था। इसमें इसने स्कोर किया। फिर जब ये इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू में ऑब्वियसली नर्वस था, इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर इंग्लिश कहीं पर रोड़ा नहीं आई। एक्चुअल में MCA में स्पेशली मैं बोलूँगा कि इंग्लिश अगर आपका बेसिक लेवल पे भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, मैनेजमेंट फील्ड में जाते हैं तो इंग्लिश का बहुत रोल होता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो आपको आता है वो सही बताएं, जो नहीं आता सॉरी बोलें, कन्फ्यूज ना करें, मिसगाइड ना करें, गलत आंसर ना दें। और इसने वही किया और उसका देखिए फ़ायदा भी मिला, आज दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में ये जा रहा है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट के साथ भी निकलेगा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और आप सबको भी ये बोलना चाहूँगा कि इसके लिए अप्लाई करें, मई में इसका एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, एग्जाम सेंटर डिफरेंट बड़ी सिटीज़ में होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होना होता है, और उसके बाद जब आप मान लीजिए रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू में जाना होता है, तो इंटरव्यू में जाने के लिए परेशान नहीं होना। दूसरी बात, जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टफ नहीं होते, अगर आपका 11th 12th का मैथ्स स्ट्रांग है तो आप उस लेवल के क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हैं, पर अगर आपका 11th 12th का मैथ्स ही वीक है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंदर आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ, एक आपने इतनी अच्छी सफलता पाई है, अब जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें, और क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आगे के भी एक्सपीरियंस जो हों आपके वो शेयर करिए, क्योंकि हम कोशिश ये नहीं करना है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कईयों को आगे भी बढ़ाना है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।